आप शरीर और शव के बीच में अगर एक ही एक अंतर है दैट्स लाइफ एंड डेथ और बर्थ एंड डेथ वो ब्रेथ ही है एक्चुअली हमारे जो सेल्स हैं सेल्स में सालों की जन्मों की मैं बोल सकती हूँ कंडीशनिंग

द्वारा रिलीज होता है मेडिटेशन से मेरा कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज हो गया मेडिटेशन से मुझे लाइफ में और क्लैरिटी मिली मेडिटेशन से मेरे फिजिकल बॉडी के डिजीजेस हील होने लग गए ये सारे एक्सपीरियंसेस और ये सारे लाभ हमें ध्यान के सुनाई पड़ते हैं बट ये एनर्जी साइंस की डीपर साइंस को अगर हमें समझना है तो हमें आनापान सती के ब्रेथ साइंस को और बेहतर से समझना होगा क्या ख्याल है कि आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि ब्रेथ का पावर क्या है तो पिछले एपिसोड में हमने जाना है कि कैसे साइंस ऑफ मेडिटेशन के द्वारा हम अलग अलग स्टेजेस को क्रॉस करते हैं पहले आनापन सती मेडिटेशन के बाद आनापन सती में हमारे थॉट्स को कंट्रोल करने के बाद हम धीरे धीरे कायन उपसना हमारे शरीर में अलग अलग आ, महसूस होने लगते हैं हम वाइब्रेशंस महसूस करने लगते हैं फिर भाव अनुपसना फिर चित्त अनुपसना और फिर फाइनली विपसना जो आप तीसरी आँख जो बोलते हैं जागृति हो जाना वो बेसिकली विपसना स्थिति है तो फाइनली अगर एक मेडिटेटर इस स्थिति में पहुंच जाता है उनको लगता है कि भाई सब कुछ हो गया लेकिन द साइंस ऑफ द ब्रेथ एक्चुअली अगर हम धीरे धीरे एज अ एज अ सीकर एंड स्पिरिचुअलिटी हम जानते रहेंगे हम जानेंगे कि देर इज सो मच मोर जितना भी आप आध्यात्मिकता को स्टडी करो स्वाध्याय करो सज्जन सांगत्य करो हर दिन कुछ नया मिलता है सो so, सबसे पहले तो आई 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 फाउंड दिस मोस्ट प्रोफाउंड कि जो डेली टॉक्सिन्स जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस uh, होने लगते हैं जो सांसों के द्वारा जो ब्रेथ है सेवेंटी परसेंट ब्रेथ द्वारा रिलीज होता है लेकिन लाइक like, एक्सक्रीशन हो यूरिनेशन हो um, और स्वेटिंग uh, हो yeah. उसके द्वारा अबाउट थर्टी परसेंट रिलीज होता है तो लोग जब कहते हैं ना कि इस प्रोसेस से आपका सारा यू you नो know, जो भी आपके अंदर जो भी गंदगी है वो हील हो जाएगा बट एक्चुअली द मेन सोर्स द मेन क्रक्स एंड द मोस्ट टॉक्सन रिलीज करने का जो प्रोसेस है वो बेसिकली ब्रेथ है एंड एक्चुअली हमारे जो सेल्स हैं सेल्स में सालों की जन्मों की मैं बोल सकती हूँ कंडीशनिंग है और उस कंडीशनिंग जो जो हम डेली जो हम स्नान करते हैं जो हम बाहर की शरीर को हम साफ़ करते हैं लेकिन जो ये जो टॉक्सिन्स है वो कैसे रिलीज होंगे बेसिकली ये जो आ, सालों की जो कंडीशनिंग है बचपन से हम क्या देखते हैं क्या सुनते हैं क्या बोला जाता है गर्भ के स्तर पे से ही मैं बोल सकती हूँ गर्भ संस्कार जो होता है कि आप क्या बच्ची को क्या बताते हैं आप क्या फीड करते हैं क्या कंडीशनिंग डालते हैं हर एक चीज़ हमारी सेलुलर मेमोरी में स्टोर्ड है और सेल्यूलर मेमोरी से जो हम एक्चुअली हम बोलते हैं ना कि हम सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड जानते हैं ये एसेंशियली जो सेल्युलर मेमोरी बनता है वो बेसिकली सबकॉन्शियस माइंड है 95% हम सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग में ही है इज़ इट एंड 5% इज़ कॉन्शियस हम बोलते हैं ना कि मैं जो पढ़ता हूँ मैं याद रखता हूँ वो कितना बोल सकता है इट्स एक्चुअली 5% और ये जो 95% फाइव परसेंट है हमने टैप भी नहीं किया है क्या हम जो बोलते हैं न कि uh, आपके सारे जो डीएनए एक्टिवेशन बोलते हैं क्या ब्रेथ के द्वारा डीएनए एक्टिवेशन होता है क्या सो so, हमारी लाइफ में ये एक्सपीरियंस प्रैक्टिकली हुआ है क्योंकि स्टार्टिंग स्टार्टिंग में हम सिर्फ आना पाना सती हमें भी लगता था कि बस बेनिफिट देखा था मोम डाट करते थे हमने देखा था कि होता है करके बट कैसे होता है जब पढ़ना शुरू किया और खुद के साथ जब अनुभव होना शुरू किया तब रियलाइज़ किया कि कितना पावरफुल है ये जब हम अपने आप के साथ थोड़ा समय बिताते हैं मैन वी से अपने आप के साथ एक्चुअली ब्रेथ है वो कांस्टेंट कंपेनियन आप शरीर और शव के बीच में अगर एक ही एक अंतर है दैट्स लाइफ एंड डेथ और बर्थ एंड डेथ मैं ज़रा बोलूँ तो वो ब्रेथ ही है तो हम सीन बोथ

जब हम समझना शुरू करते हैं कि ये ब्रेथ के पीछे इतना बड़ा विज्ञान है जो सांसों का विज्ञान है ये महाविज्ञान है क्योंकि ये सांसों से ही ये पूरा हमारा जो शरीर मन बुद्धि आत्मा का जो कनेक्शन बना हुआ है सोर्स के साथ कनेक्शन बना हुआ है हमारे सातों शरीरों का जो कनेक्शन बना हुआ है जो हम हमारे होने का एहसास दिलाते हैं वो हमारी ब्रेथ है हमारी सांसें ही हैं तो इसलिए पत्री जी ने जो आना पाना सती ध्यान हम सबको जो गौतम बुद्ध ने नाम लिख दिया था इस तकनीक को और जो पत्री जी वापस पुनः इसको वापस लाए हैं इट इज सो पावरफुल इसमें कोई विजुअलाइजेशन नहीं है कोई मंत्र जाप नहीं है इट इज जस्ट फोकसिंग ऑन द स्वाभाविक नेचुरल ब्रेथ हमारे नेचुरल ब्रेथ पर फोकस करना तो so, जब मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया मैं पति सर से क्वेश्चन पूछी थी कि सर व्हाट इज सो इम्पॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स बहुत सारे बुक्स लिखे गए इसके ऊपर साइंस ऑफ ब्रेथ बाय स्वामी रामा लेनेड और ने रीबर्थिंग ब्रेथ टेक्निक के ऊपर बहुत कुछ रिसर्च किया है देर लॉट ऑफ टेक्निक्स अराउंड ब्रेथ साइंस एंड ऑफकोर्स हमारे पतंजलि योग सूत्र में प्राणायाम का जो इम्पोर्टेंस दिया जाता है उसमें है ही बट न्यू एज साइंस में अगर हम ब्रेथ साइंस को समझना शुरू करें एंड आई वॉज ट्राइंग टू लिंक इट विद द थ्री ग्रैंड हैपनिंग्स तो जब हम बोलते हैं हमारी सांसों के साथ जब हम एक हो जाते हैं धीरे धीरे हमारी सोच विचारों की गति धीमी होने लगती है तो न्यूरो साइंस इसको एक अलग तरीके से बता रहा है बिकॉज़ सब लोग इसको आना पाना सती आज हम पी में उसको जानते हैं बट बाकी सारी दुनिया में अलग अलग पार्ट्स में इसको ब्रेथ अवेयरनेस या कॉन्शियस ब्रीदिंग टेक्निक्स को का नाम दे उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं सो व्हाट इज़ कॉन्शियस ब्रीदिंग अभी मैं अवेयर हूँ इस पल में कि मेरी अंदर सांस जा रही है और सांस बाहर आ रही है तो सांसों का अंदर जाना और बाहर आना करता क्या है सो so एक्चुअली हमारा ब्रेन जो आपने बोला कि हमारी सेल्युलर मेमोरी में सारा हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग ऑलरेडी स्टोर्ड है नाइन्टी टू नाइन्टी फाइव परसेंट वेयरिंग डिपेंडिंग ऑन हाउ अवेयर अ पर्सन इज सुपरजीनियस नाइन्टी परसेंट अपना सबकॉन्शियस माइंड नहीं टेन परसेंट अपना कॉन्शियस माइंड यूज़ कर रहा है मे बी आई क्यू डिस्कस बहुत ज़्यादा हो बट ऑन एन एवरेज आप समझ लीजिए पाँच परसेंट ही हम यूज़ करते हैं अपने कॉन्शियस माइंड को ये सारे जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड के बिलीफ सिस्टम्स है एक न्यूरल पाथवे के माध्यम से हमारे बॉडी में हैबिट्स की तरह स्टोर हो गए हैं तो मुझे मे भी ना पता हो मेरे पास्ट लाइफ में क्या हैबिट्स या मेरे जो क्या डर थे मेरे क्या भय थे मेरे क्या कुछ मेरे लाइफ सोल प्लान और लाइफ पर्पस जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड में एम्बेडेड हुए हैं ऑलरेडी एक एक प्रोग्राम के माध्यम से इस सबकॉन्शियस माइंड के सॉफ्टवेयर को मेरा कॉन्शियस माइंड उसको इस्तेमाल कर रहा है तो मेरे माइंड में ऑलरेडी एक न्यूरल पाथवे बन गया फन फैक्ट इज़ हमारे शरीर में हंड्रेड बिलियन न्यूरॉन्स है और हर एक न्यूरॉन का मिनिमम हज़ार से दस हज़ार कनेक्शन होता ही होता है अगर हम इसको ब्रेन के एक्टिविटी को समझना शुरू करें एंड ऑफ कोर्स इसीलिए हम अपने आप ये ब्रेन वेव्स को हम मेजर कर सकते हैं ई के माध्यम से अगर हमारे ब्रेन फुल्ली ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो रहा है तो दुनिया के सारे मोबाइल फ़ोन्स को वो चार्ज कर सकता है आई मैम लूसी फिल्म अगर आप याद oh, yeah. रखो लूसी फिल्म में एक्चुअली वो दिखाया था कि मतलब ओबियसली उस इंड्यूस्ड ड्रग था वो बट इन जनरल अगर एक फुल पोटेंशियल में अगर एक ट्रू ह्यूमन एक फुल पोटेंशियल में जिए जो हम बोलते हैं ना हमारी जो डॉर्मेंट डी एन ए हैं एक्चुअली अगर वो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद रियलाइज़ करते वो एक्चुअली डॉर्मेंट डी एन नहीं है साइंस इज प्रूविंग इट एंड साइंस इज एबल टू नाउ एटलीस्ट रियलाइज इट एंड लूसी इज इज़ अ ट्रू एग्जाम्पल सेंग जो हम टेलीपैथी हमें जो एडवांस लगता है टेलीपैथी इज़ एक्चुअली नॉट इवन दैट एडवांस्ड Um, जैसे हमें अब ए आई एडवांस लगता है कितने सालों पहले दैट द टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी कम सो आई आई एम श्योर वी विल डेफिनेटली आगे कवर ऑल ऑफ दिस काइंड ऑफ हिडन साइंसिस हिडन थियोरीज दैट इज़ हैपनिंग थियोरीज नहीं प्रैक्टिकल yes. चीज़ें जो एक्चुअली हो रहे हैं सो या जो लूसी इज़ बेसिकली वेन यू आर ब्रेकिंग अवे फ्रॉम द पैटर्न यस आप क्या बन जाते हो सुपर नेचुरल जो सुपर ह्यूमन एबिलिटीज़ हैं हमारे वो हम डिवेलप करना शुरू करते हैं वो डेवलप नहीं नेचुरली इनहेरेंट है बट वो पोटेंशियलिटी एक्टिवेट होता है ये ब्रेथ के साथ कैसे होता है जब हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं जब भी कोई सोच विचार आए और बहुत सारे लोग बोलते हैं अरे मेरे मेडिटेशन में इतने सारे थॉट्स आए बट जब भी कोई सोच विचार आए और वापस आप अपना ध्यान अपने सांसों के ऊपर लगाते हैं दैट लाइफ गिविंग फोर्स आप जो उस थॉट के माध्यम से जो एनर्जी रिलीज़ हो रहा है उस एनर्जी को कंजर्व करना शुरू करते हो और ना केवल आप कंजर्व कर रहे हो आपका ब्रेथ जो आपका लाइफ फोर्स आपको आपका प्राणा को इंक्रीज कर रहा है आपकी बॉडी में हर एक सेल में वो हमारे पास्ट जो अननेसेसरी एनर्जी वेस्टेज है जो पास्ट पैटर्न की वजह से जो एनर्जी वेस्टेज है उसको रोककर कर हमारे ब्रेथ के थ्रू हर एक सेल को एक नया मेमोरी दे रहा है व्हाट इज़ द न्यू मेमोरी कि हम जो पास्ट कंडीशनिंग और पैटर्न की वजह से जो भीड़चाल की जिंदगी दी जिए जा रहे जिए जा रहे डर में जी रहे हैं पास्ट में जी रहे फ्यूचर में जी रहे हैं अपने सेल्फ वर्थ के लैक के वजह से हम बोलते हैं अरे सब लोग बेहतर है मैं ही बेहतर नहीं हूँ वाई मी वाले जो बिलीफ सिस्टम में हम जी रहे हैं उस बिलीफ

दो वो वोटिक कनेक्शन में एक एक yeah. एक अलग पाथवे चुनना Correct. जो एक्चुअली केवल एक विचार से होता है सो आई थिंक फॉर एक एडिक्शन भी अगर हो क्यों क्यों बोलते हैं कि स्पिरिचुअलिटी के द्वारा आप एडिक्शन से बाहर आते हैं yeah. क्यों बोलते हैं कि आप अगर एक अगर एक बिहेवियरल पैटर्न है आपके एक इमोशनल पैटर्न है जैसे गुस्सा आ जाना करंट सर सडनली गुस्सा आ जाना आप आप किसी को देखते हो वही वही लोग अगर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं जो आपके ही पोटेंशियल के अराउंड नहीं मैच कर रहे हैं तो आपको फर्स्ट थिंग क्या आता है गुस्सा आता है विच इज़ अगेन अ पैटर्न विच इज़ बेसिकली पास्ट कंडीशनिंग मे बी पहली बार ऐसे हुआ होगा फिर उसके बाद वो एग्रीवेट हुआ होगा yeah. आपके फैम आपने किसी और के साथ लड़ाई किया वो वो हम घर लेकर आ जाते हैं एंड दैट इज़ असेंचली आर पैटर्न इज इंट इट सो हाउ थ्रू स्पिरिचुअलिटी थ्रू मेडिटेशन आप अपने पैटर्न को एक क्योंकि आप एक चॉइस लेते हो एक न्यूरल पाथवे जो आपका बना हुआ है उसी चीज़ को वो ट्रिगर पॉइंट यानी वो बंदा वो पर्सन वो सिचुएशन जो बटन पुश करता है वो एक बटन पुश करता है और हम वापस ट्रिगर हो जाते थे पहले जाते, हम ट्रिगर हो जाते थे और हम वो वही चीज़ चूज करते हैं बट स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन आपको वो जैसे दो थाट्स के बीच में जो गैप है क्योंकि आप स्पेस बनाते हो आप सांस के द्वारा आप जैसे गुस्सा आता है तो सांसें बहुत तेज चलती है क्योंकि हम मेडिटेशन करते हैं तो हम एक मोमेंट पॉज करते हैं सो वी पॉज एंड टेक अ मोमेंट एंड बी विविथ आर ब्रेथ सो हम एक नया पैटर्न चूज चूज़ करते हैं है। है। बहुत सारे लोगों का ये भी डाउट रहता है कि मैं बहुत टाइम से ध्यान कर रहा हूँ या कर रही हूँ और बहुत सारे थॉट्स अभी भी आ रहे हैं तो मुझे कुछ ध्यान का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा उन लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि आपके ध्यान करते समय भले बहुत सारे थॉट्स आ रहे हो एवरी टाइम जब आपने चुना है अपने आप को उस थॉट के पीछे ही ना भागते हुए बट अपने ध्यान को वापस अपने साँसों के ऊपर केंद्रित करना आपने जो ऑलरेडी एक बनी बनाई रोड एक हाईवे बनी हुई है आदतों की अपने माइंड में उसको ब्रेक किया है और आपने उस एनर्जी रिलीज जो वेस्ट हो रहा था वो एनर्जी उसका वेस्टेज रोक कर आपने उस एनर्जी को कंजर्व किया है हर बारी जब आपने अपने सांसों को चुना है और ना वो भटकता हुआ सोच विचार जो आपको इस पल से आपको दूर ले जाता है आप अपने बॉडी के बैटरी के एनर्जी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो सेल्यूलर लेवल पर हर वक्त एक रिप्रोग्रामिंग चल रहा होता है जब हम अपनी कॉन्शियस ब्रीदिंग करते हैं एक्चुअली ब्रीदिंग के पीछे एक और भी विज्ञान है कि जो भी हमारे पास्ट लाइफ या हमारे पिछले जन्म के जो हमारे सबकॉन्शियस पैटर्नस है या फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रोमा शब्द नहीं यूज़ करना चाहूँगी बिकॉज अक्सर ट्रॉमा शब्द के पीछे लोग दर्द को ही फील करते हैं बट इवन जो हमारे टैलेंट्स हैं और जो पति जी ने हमें ये बताया है इवन जो आपके हिडन स्किल्स और टैलेंट्स है जो आपने पास्ट लाइफ में का जो भी मेमोरी है वो सब आपके सेल्युलर मेमोरी में स्टोर्ड है तो जब आप अपने साँसों के साथ कॉन्शियसली ब्रीद करते हैं आपको कुछ इंटेंशन रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती आप अपने ब्रेथ के थ्रू कॉन्शियसली उस मेमोरी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं इंटेंशन इज आल्सो नॉट नीडेड इन दैट बिकॉज जब आपकी सेल्यूलर मेमोरी को वो सफिशेंट एनर्जी मिल जाता है क्योंकि एनर्जी हम हर पल हर दिन वेस्ट करते ही रहते हैं बातों से सोच विचारों से देखने से सुनने से पीने से हर एक कार्य करते हुए हम वेस्ट करते वेस्ट भी करते हैं ऑफ कोर्स जब अननेसेसरी करते हैं बट यूटिलाइज भी करते इस्तेमाल भी करते बिकॉज एनर्जी से ही सब कुछ चल रहा है बट जब हम कॉन्शियसली ब्रीथ करते हैं और ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे हमारे सातों शरीर में अफकोर्स वील कवर दैट इन अनादर टॉपिक अनादर वीडियो साथों शरीर में जब ये एनर्जी एम्पलीफाई होने लगता है तो ऑटोमेटिकली जो हमारी जो सोकॉल सिद्धियां हैं वो भी प्राप्त होने लगती है तो बहुत सारे लोग जो मे बी लास्ट लाइफ में आपने इतना साधना नहीं किया हो बट इस लाइफ में आप बहुत साधना कर रहे हो तो आपको ज़्यादा समय लगेगा बट यू विल रीच दैट स्टेट बहुत सारे लोगों ने लास्ट लाइफ में बहुत सारी साधना की इसलिए वो ध्यान में आते ही हमने इतने सारे लोगों को देखा है कि इमीडिएटली उनको थर्ड आईविजन्स आने लगते हैं उनका हीलिंग होने लग जाता है इंट्यूशन पावर बढ़ जाता है बच्चों के साथ भी हमने देखा है बच्चों को आप पहली बार ही ध्यान से कहा उनको लाइट्स कलर्स बॉडी मूवमेंट सब कुछ एक ही बारे में हो जाता है क्योंकि उनका जो पैटर्नस है उनका जो सबकॉन्शियस प्रिंटिंग है वो इतना स्ट्रांग नहीं है तो उनका कॉन्शियस माइंड इज ससेप्टेबल तो आप कॉन्शियस माइंड को वो बताइए या कम बैक टू द ब्रेथ तो माइंड आ भी रहा है जितना ज़्यादा उम्र हमारी बढ़ती रहती है भौतिक स्तर पर तो इतना ज़्यादा अनुभव हम इकट्ठा करते हैं जो हमारी जीवन काल में तो बेनिफिशियल है पर ध्यान के समय हमें उसको पूरी तरह से ड्रॉप करना है एंड जब हम ब्रेथ साइंस के बारे में बात करते हैं ब्रेथ साइंस एसेंशली जो ध्यान शास्त्र है हमें लेके जाने लगता है आत्मा शास्त्र के पास hmm. और ब्रेथ साइंस को हमें इसीलिए इसलिए समझना है क्योंकि ब्रेथ के साथ जो भी हम जोड़ते हैं ये जो हमारे पांच प्रकार की तकनीक है जिसके थ्रू हम अपनी आना पाना सती ध्यान को ही और एनहेंस कर सकते हैं ये सब एनहेंसर्स है बट ध्यान करने के लिए एक्चुअली हमें कुछ ज़रूरत नहीं है ध्यान स्वाभाविक ही जब हम अपनी सांसों के साथ एक हो जाते हैं एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर नेचुरली हमारे प्रोग्रामिंग अनकंडीशन हो रहे हैं हमारे बॉडी बो, एनर्जी रिलीजेस जो वेस्टेज हो रहा है उसको हम कंजर्व कर रहे हैं हमारे सेल्युलर मेमोरी को हम एक्टिवेट कर रहे हैं और जो प्राणा जो सांसों के माध्यम से हमें मिल रहा है वो ना केवल इस शरीर भौतिक स्तर पर बट सातों शरीर को एक्टिवेट कर रहा है इट्स वंडरफुली शेयर्ड बिकॉज ध्यान के द्वारा ना ही केवल सिद्धियाँ जो वाक सिद्धि है वाक शुद्धि है वाक शक्ति है हर एक तरीके से तो एक्चुअली एक एज योगी का दूसरा नाम ये है कि जो हम जो हम देखते हैं ना दूसरे बाबा जी लोगों को देखते हैं तो क्या सिद्धियां हैं उन उनसे जाके वो पहाड़ों में वो आश्रमों में जाके मिलने का मन करता है लेकिन स्पिरिचुअलिटी ये ब्रेथ साइंस को समझ के मेडिटेशन प्रैक्टिस करके साधना करके वी ऑल हैव दो सिद्धि वाक् वाक शुद्धि वाक् वाक शक्ति संकल्प शक्ति संकल्प शुद्धि एंड संकल्प सिद्धि हर एक मेडिटेटर को होता ही है वो केवल है कि एक रियलाइज़ करना दैट वी आर आत्मा वी आर लेस मैटर मोर एनर्जी तो अगर हम मेटाफिजिक्स में जिए क्योंकि फिज़िक्स जो न्यूटोनियन फिजिक्स है उसके बाद क्वांटम फिज़िक्स एंड फाइनली एवरीवन इज़ रियलाइजिंग मेटाफिजिक्स कि मेटाफिजिक्स इज़ फाइनली दी अल्टीमेट कि आप ट्रूली जो ये सोल स्टेट को समझना एक एनर्जी स्टेट को समझना कॉन्शियसनेस को समझना इज़ इट तो दैर सो मेनी डिफरेंट वेज़ हम अपनी इस मेडिटेशन प्रैक्टिस को एनहेंस कर सकते yes. हैं सो वन ऑफ देम इज़ ऑब्वियसली म्यूज़िक मेडिटेशन संगीत ध्यान विच इज़ पत्री जी के बहुत करीब रहा है हर एक हर एक म्यूज़िक का इंस्ट्रूमेंट हो सकता है वोकल um, ऑब्वियसली सभी को पसंद है तो म्यूज़िक मेडिटेशन इज वेरी पावरफुल वे इन विच उस वाइब्रेशन के द्वारा हम और डीपर लेवल हम ध्यान में जा सकते हैं एंड इज़ नेचर मेडिटेशन विच इज़ हम चले जाते हैं नेचर में कहीं पर भी हम पहाड़ों में ही जाने की जरूरत नहीं अपने खुद के गार्डन में ही बैठ सकते हैं क्योंकि वो एक स्टिलनेस एक जीरो स्थिति यस yes. आपको केवल नेचर के साथ समय बिताकर उस वाइब्रेशन में रहकर यू कैन अब्जॉर्ब दैट एनर्जी या उसको ह्यूमन्स रेजिनेस भी कहते हैं हम अपने नेचुरल रिलैक्स्ड अल्फा स्टेट में जब होते हैं वी वी वाइब्रेट एट द सेम फ्रीक्वेंसी एज मदर अर्थ तो इट्स सेवन पॉइंट एट थ्री हर्ट्स या एट हर्ट्स के बीच में हमारी फ्रीक्वेंसी रहती है तो जब हम नेचर के साथ ध्यान करते हैं नेचर में बैठ के एंड अगर कभी कभार जब नेचर नहीं भी होता अगर आपके पास एक छोटा सा पौधा भी है बिकॉज वो भी मदर अर्थ का ही एक पार्ट है हम उसके साथ बैठ भी हम ध्यान करते हैं साइलेंस में विदाउट एनी साउंड जस्ट विद दैट इट्स परफेक्ट आपका वो जो एनर्जी स्टेट है जो अपने सांसों के साथ एक होकर जो हम एनर्जेटिक स्टेट को इन्हांस करना चाहते हैं वो बहुत आसानी से हो सकता है अनादर इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट थिंग जो पी एस एस एम में हमने आके सीखा है वो है पिरामिड मेडिटेशन सीक्रेट जोमेट्री यानी कि कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप में एनर्जी होल्ड करने की एक क्षमता है और जब हम अर्थ पे पिरामिड के शेप में आ, हम किसी भी ऑब्जेक्ट को डिजाइन करते हैं और उसके नीचे या अंदर बैठ के जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी लाइफ फोर्स एनहांस हो जाती है जैसे कि इस इस कप में पानी पानी होल्ड करने का एक स्थिति है पिरामिड के पास भी कॉस्मिक एनर्जी को ये विश्व ऊर्जा को केंद्रित कर कर स्टोर करने के लिए वो एक एक इंस्ट्रूमेंट की तरह है तो जब हम एक पिरामिड के नीचे या अंदर बैठ के ध्यान करते हैं तो नेचुरली एक वाइब्रेशनल स्टेट में हम एक हायर हायर फ्रीक्वेंसी में जोन में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं इवन अगर हम आसपास भी रहे एक yes. किलोमीटर से भी ज़्यादा ये उसका जो वाइब्रेशन yeah. है वो वहाँ तक पहुँचता है एंड हाइव एक्सपीरियंस दैट कि मैं अगर करताल जैसे महीश्वरा महापिरमिड करताल में जाती हूं तो उस बड़े पिरामिड वो मेगा पिरामिड जो 170 सेवेंटी बाई वन सेवेंटी है उसको अगर मैं एक किलोमीटर दूर में अगर एंटर ही कर रही हूँ मैं इतना एनर्जी फील करती हूँ कि एंड एवरी मेडिटेटर को पता है वो वाइब्रेशन जानते हैं एंड वो वाइब्रेशन महसूस होता है सो so, पिरामिड्स आर सो तो पावरफुल अक्रॉस देर आर सो मेनी पिरामिड्स अक्रॉस इंडिया एंड द वर्ल्ड जो पी yeah. ने बिल्ड किया है आई होप एवरी वन गोज आई रियली रिकमेंड एवरी वन मस्ट विजिट एंड मेडिटेट विद पिरामिड्स यस एक्चुअली पिरामिड्स इतने अद्भुत स्ट्रक्चर्स हैं कि कुछ ना कुछ जो भी उसको पहली बार ही देखता है उसको उसके प्रति आकर्षित होता ही है उसकी एनर्जी ऐसी है उसको शब्दों में नहीं समझा सकते तो जो भी एनर्जी को समझना चाहते हैं सबसे पहले यू जस्ट एक हम यंगस्टर्स उसको वाइब कहते हैं यू नो यू अंडरस्टैंड देम बट जैसे हम पुराने ज़मानों में अगर हमारी नानी भी बताती कि जब भी पापा को दिखे थे पहली बार ही मम्मा के वो वो मूँह दिखाई पर शी फेल्ट इंस्टेंटली कनेक्टेड सो आपकी वाइब्रेशन आपकी एनर्जी आपकी और स्पीक्स एंड वही एनर्जी जब हम एक पिरामिड जो एक मैगनानमस स्ट्रक्चर है जो एक इंटरगल ट्रैवल के लिए एक माध्यम बना रहता था पास्ट में इन एंशेंट टाइम्स जो हम जानते भी नहीं हैं जो एक हिडन साइंस है इसके पीछे जब हम उसके साथ जुड़ के करते हैं तो देर इज सो मेनी एक्सपीरियंसिस जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं मेडिटेशन में पिरामिड्स आर हाई वाइब्रेशनल इंस्ट्रूमेंट्स जिसमें जब हम ध्यान को अपना ध्यान को अटैच करते हैं तो ऑटोमेटिकली वेअर एबल टू गो इन टू दैट स्टेट फास्टर एंड पिरामिड्स ही नहीं जैसे हमारा बॉडी लास्ट टाइम हमने बात किया था कि हमारा बॉडी सेवेंटी परसेंट वाटर से बना हुआ है सो इज मदर अर्थ मदर अर्थ भी सेवेंटी परसेंट वाटर का ही उनका सर्फेस है तो मून का हमारे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है तो जैसे अमावस्या और फुलमून के दिन आते हैं आप हम हमने खुद एक्सपीरियंस किया है कि हमारे इमोशनल स्टेट्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं वी फील वेरी इंटेंस इमोशंस तो हम ऐसे सिचुएशंस में ऐसे दिनों पे भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा जो अंदर का जो इनर पोटेंशियल है जो एक्टिवेट करना है ब्रेथ साइंस के माध्यम से दैट बिकम्स मच 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 ईजियर तो हमें अमावस्या और पूर्णिमा की रात्रि भी जो एक दिन पहले और एक दिन बाद जो मेन डेज होते हैं उन दिनों में जब हम आना पाना सती ध्यान करते हैं तो ऑटोमेटिकली एक वाइब्रेशनल स्टेट जो बाहर एक एक हाई वाइब्रेशनल स्टेट क्रिएट हो जाती है और हम अपने आप को कॉन्शियसली अपनी ब्रीदिंग के साथ जोड़ देते हैं उस वाइब्रेशनल स्टेट के साथ सो देन वंडर्स ब्यूटी एंड फाइनली इज ग्रुप मेडिटेशन सामूहिक ध्यान बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज राइट right, मैं हम ये कॉन्वर्सेशन इंडिविजुअली भी कर सकते थे केवल डायरेक्टली कैमरा के साथ बट जब हम दो लोग मिलते हैं तो एक एनर्जी बनता है और लोग मिलते हैं एनर्जी बनता है दैट्स वाई सज्जन सांगत्य जितना इम्पॉर्टेंट है उतना इम्पॉर्टेंट ग्रुप मेडिटेशन है क्योंकि ग्रुप मेडिटेशन से वही जो थॉट फ्री स्टेट है आप और जल्दी आ सकते हैं सो ग्रुप मेडिटेशन इज़ द फिफ्थ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पे तो फाइनली मैं ये डेफिनेटली कहना चाहूँगी कि आना ध्यान अल्टीमेट है यहाँ पे आपको कहीं और बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फाइनली ये सांसों का विज्ञान है जो विज्ञान हमने शेयर किया है और बहुत गहराई से हम और कवर करते रहेंगे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको मंत्र चांटिंग का कोई संकल्प लेने का कोई विजुलाइजेशन करने का क्योंकि केवल सांसों के द्वारा कनेक्ट होते ही आप विश्व ऊर्जा के साथ अपने अल्टीमेट सेल्फ के साथ अपने कॉस्मिक सेल्फ के साथ आप जुड़ सकते हैं एंड जो लोग नए हैं ध्यान में केवल ये ब्रेथ मेडिटेशन आपने जाना है उसको कंटिन्यू करना ही ज़रूरी है प्रैक्टिस 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 एनी टाइम कर सकते हैं एनी प्लेस कर सकते हैं एनी सिचुएशन कर yes. सकते हैं एंड जितनी आपकी उम्र है मिनिमम उतने मिनट करने चाहिए एंड yes. uh, करते रहें जीवन अनंत है yes. और ऐसे ही सज्जन सांगत्य के द्वारा ऐसे ही पीएमसी परिवार पीएसएसएम परिवार के द्वारा आप और लोगों से मिलते रहेंगे अनुभवों को सुनते रहेंगे तो क्या ख्याल है कि इस एपिसोड में आपने क्या सीखा नया ब्रेथ के बारे में कमेंट करके जरूर बताएं हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में देखते रहिए पीएमसी हिंदी चैनल